ये कहता है कि एक रॉड है काइनामेट है, तो ये काइनामेटिक्स है, पढ़िए है कि ये एक्चुअली जो काइनामेटिक्स, इसको हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट या कांस्टेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करते हैं, बट ये यहाँ आ गया। तो कहता है कि एक रॉड है, ठीक है, उस रॉड में, ठीक है, दो पॉइंट है, दिस रॉड इज स्लाइडिंग, ये रॉड है और ये स्लाइड कर रहा है, और इस पॉइंट ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इधर है, तो बी वाला कहाँ जाएगा यार, बी पॉइंट ऊपर जाएगा वेलोसिटी बी बी से, तो इस बी पॉइंट की और ये एंगल किसी भी इंस्टेंट 30 डिग्री है, इंस्टेंटेनियस सिचुएशन है, किसी इंस्टेंट 30 डिग्री है और धीरे धीरे 30 इंक्रीज होगा। चलो, तो कहता है कि बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालो और अल्फा 30 डिग्री है, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट है, सबसे आसान ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, कि रॉड के एलॉन्ग जो भी वेलोसिटी होती है, लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़े होंगे कि स्ट्रिंग के एलॉन्ग, रॉड के एलॉन्ग, ठीक है, वायर के एलॉन्ग जो भी वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, तो ये जो वेलोसिटी है इसके मैं कंपोनेंट करूंगा, तो एक रॉड के अलोंग जाएगा वो कितना होगा 10 cos 30, और एक रॉड के परपेंडिकुलर आएगा 10 sin 30, ठीक है, क्लियर है। और ये जो वेलोसिटी ऊपर जा रहा है उसके भी मैं कंपोनेंट करूंगा, अगर ये 30 है या 60 है तो ये आ गया 60, तो जो बी बी का एक कॉम्पोनेंट रॉड के लॉन्ग आ गया वो आ गया बी बी cos 60, और एक कंपोनेंट इधर आ गया जो आ गया बी बी sin 60, ठीक है। अब रॉड के एलॉन्ग अगर सेम रहेगी तो रॉड के एलॉन्ग, रॉड रॉड की लाइन लेंथ ये है, इस लेंथ में जो भी वेलोसिटी आती है वो सेम होती है यार, इसका मतलब ये हुआ कि बी बी cos 60, ठीक है, cos 60 इज इक्वल टू 10 cos 30, ठीक है, जो रिजिड बॉडी होती है, ठीक है, वो हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, अदरवाइज रॉड या तो टूट जाएगा या तो स्लैग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए जो बी बी है, तो बी बी, अब cos 30 कितना होता है, sin 60, cos 60, हाँ cos 60 इज इक्वल टू sin 30, तो ये आ जाएगा 1/2, दैट इज 10, और cos 30 sin 60 √3/1/2, तो 2 ने 2 को, तो बी बी की वैल्यू आ जाएगी 10 × √3, 1.73 आता, तो यह आ जाएगा 17.3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी जो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, मतलब डी ऑप्शन सही है ना।